सुन रहे हो, कभी कभी वो एक दिन में करीबन 70-80 हज़ार बनाता है। तो अभी वो उसने बोला कि एक दिन में कारपेंटर को $500 मिलता है, मतलब अमेरिका के धरती से जोहार दोस्त। तो अभी मैं अपने एक दोस्त कारपेंटर दोस्त ब्रायन के साथ में जाने वाला हूँ एक दुकान, और तो मैं बताऊँगा कि उसकी कमाई कितनी होती है, और उससे थोड़ा सा बात करेंगे और उसका लाइफ स्टाइल क्या होता है यहाँ अमेरिका में। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ रहता हूँ अमेरिका में, यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ और काम भी करता हूँ। हूँ भारत के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और आज पूरे दिन भर और रात भर बर्फबारी होने वाली है। तो हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं आपकी मदद के लिए, खासकर जो छोटे कस्बे छोटे शहर से हैं वहाँ के लोगों की मदद के लिए, कि आप यहाँ कौन से वीज़ा में आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए, वीज़ा का प्रोसीजर क्या होता है, और यहाँ अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है, उन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बहुत स्वागत है आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी देख रहे हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार गांव के लोगों सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगेगा आप लोगों से जुड़ के। और बाकी आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ईमेल है gawar.inqilabi@gmail.com। तो आप कभी भी कुछ भी सवाल हो तो बेझिझक डिटेल के साथ अपना फ़ोन नंबर के साथ ईमेल में मुझे अपने सवाल भेज देना। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, दे आर कारपेंटर एंड स्टफ, दे आस्क मी यू नो ऑन माय यूट्यूब दैट कैन दे कम हियर इन द यूएस एंड इज इट अ गुड प्लेस टू वर्क, व्हाट वुड यू से? ओह दैट्स वेरी नाइस, दैट्स अ बिजनेस कंट्री टू मी, दैट्स वेरी नाइस प्लेस, इज द फाइन वर्क, यू नो। बट ब्रायन हैज बीन लिविंग हियर फॉर 15 इयर्स, राइट ब्रायन? यस, ऑलमोस्ट 16, नेक्स्ट मंथ मे इज गोना बी 16 इयर्स। एंड ही नेवर वेंट बैक? Not yet. I have a plan to go maybe in 2022 or 2023. But Brian has a house in Brazil, like two house, Brian? I have 1, 2, 3, 4, 5 houses. 5 houses? Uske paas 5 ghar hai Brazil mein. Yeah. What are you going to do with all that houses? So based one house my family live on that. Mm-hmm. That's a big one, have a 3-floor pool in the back, nice garage. That's new house. Mm. And the other one is empty, the septic one. I give it to my niece just to live, you know. Mm. Have no place to live, and then like I say, just use when he I need it. He has swimming pool in his house. That's for my family, you know. Yeah. That's for my son, my daughter, and mm-hmm. like my kid's mother. Do you miss Brazil though? I do, but I have responsibility, right? And I have to get it done. I have a plan, you know, Manu. When I came to the United States, I have a plan to get something done. Mm. And I don't want to go back until everything is complete. So do you think, in your opinion, to be successful in the US, you have to be so educated, or you think like if you work hard, you can be successful? I think United States is the business country. Mm-hmm. That how much is the exchange in India between the dollar and I think it's 70 or 75 rupees for $1. Oh really? That's what? That's good. That's pretty good. See, if they make like I'm gonna tell it maybe $500 a day. Really? Yeah. They make $500 a day. Carpenter. Yeah, if they do if they work for himself, mm-hmm. if they don't work for himself, this handyman, mm-hmm. they're gonna make like maybe $200 handyman. They usually pay like $200-$300 a day. I see. But if he get the job by himself, if he figure it out, it's gonna be about $500-$600 a day. Are you sure $500? Yeah, sometimes I make $900 a day. तक सुन रहे हो? कभी-कभी वो एक दिन में करीबन 70-80 हज़ार बनाता है। तो अभी वो उसने बोला कि एक दिन में कारपेंटर को $500 मिलता है, मतलब 36 या 35 हज़ार रुपया लगभग। Really, man? That's true. That's a good money. The one job you can make, I like to do it. That's the job I make more money than the others, because I do electrical, plumbing, carpenter, hardwood floor. So when you compare electrician, flooring and all that, where do you make the most money? Welding. That's the welding. Uh-huh. Welding. Yeah, welders, they want to make more money. But it's hard to find. I see. It's hard to find a job. But that's a job you make more money.
Because see that guy, that's fence right there. So down right there. Yeah. So that's the one. Like, let's say if someone is coming to the US who is new, what would you recommend in your experience? That they're gonna find the paint first. Basically, it's paint. And how much money they make as a painter? जो paint करने वाला होता है वो कितना पैसा कमाता है मैं पूछ रहा हूँ. Paint is about the same about carpenter. It's about $200-$500 a day painting. Okay. If it's handyman, like $200 a day. But if you find a job, you can figure it out about $500 a day. Everything depends, you know. I see. What's your work schedule? Can you work for yourself as a carpenter, or do you have to work for a company? What's better? No, always, like I said, 99% I work for myself. 99%. So you can work whenever you want, basically. See, the time now is 11:26. I'm sure on the road. I didn't start work yet. I can start in time. So if I decide, oh, I'm not going to work today, I just don't go. तो हम लोग ये दुकान जा रहे हैं, अभी सामान कुछ लौटाएगा ब्रायन और कुछ सामान लेगा. तो उसके पास उसका खुद का आईडी नहीं है, तो वो मुझे पूछता है कि क्या मैं उसका मदद कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आईडी होना ज़रूरी होता है और बहुत सालों से यहाँ पर है लेकिन उसके पास खुद का आईडी नहीं है. तो सामान वापस करने के लिए आईडी चाहिए होता है. तो अभी बदमाश लड़का मुझे सामान थमा दिया है. शी इज़ ऑलवेज रनिंग अराउंड, शी इज़ नेवर हियर. ऑलराइट. Okay, my phone is dead right now. I'm about to go charge it, so leave me a message. All right. I know it's you, okay? What's your name again? Manoj. Manoj, okay. Put it in, okay? Yeah. लड़की ने मेरे से नंबर मांगा और ऐसे ही मैं जानता नहीं हूँ उसको, लेकिन डेट पे जाने के लिए नंबर मांग लिया. तो कैसे करें बताओ, डेट पे जाए कि ना जाए? प्लाईवुड. प्लाईवुड. तो ब्रायन ने ये प्लाईवुड खरीदा है. हाउ मच वॉज फॉर वन, ब्रायन? हाउ मच वॉज फॉर वन? $49. That's a lot. फॉर वन. तो एक जो प्लाईवुड है वो तकरीबन $41, $40 का आता है, तो हिसाब लगा लो. तो हम लोग दुकान से वापस आ गए हैं सामान वापस करके. मेरा थोड़ा मदद भी किया ब्रायन ने. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू मे बी नेक्स्ट टाइम. सो वेदर इट्स स्नो रेन और हॉट, ब्रायन वर्क्स ऑल द टाइम, राइट ब्रायन? इट डजंट मैटर वेदर इट्स स्नो rain or hot, you always working. Yes, I can work. Someone is inside, you know. I have a work inside work and outside work. He's very kind. He's always giving me a ride everywhere. He never says no. All right. Bye, Brian. तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और सवाल के लिए कमेंट करना. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. बाकी आपके और भी कुछ सवाल हो या फिर किसी भी और वीज़ा से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो कई सारे सवालों के जवाब आपको मेरे और दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे. तो मेरे चैनल में जाके या स्क्रीन में जो अभी दिख रहा होगा वीडियो, उनको जाके ज़रूर. तब तक अपना ख्याल रखना. शुक्रिया. जोहार. जय जवान, जय किसान.